धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 के दो दशक बाद हुआ। खूंटी के उलिहत्तू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। इधर सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। इधर पोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को ले आनंद पांडे ने समझाया, लेकिन बिरसा ने आनंद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा है। उनके अनुयायियों ने भी इसी रूप को माना। एक दिन उनकी माँ प्रवचन सुन रही थी। माँ ने उसे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा, वह धरती आबा है और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में वे पहले से ही स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए, तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू किया। आगे चलकर धार्मिक सुधार का ये आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमार थाने में ये सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज्य का अंत हो गया है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया। वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गई। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसीलिए एक नया नारा गढ़ा गया, अबवादिशुमा अबवाराज, जिसका मतलब है अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था, इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बना गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहभूमि का पूरा इलाका ही विद्रोह में दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वह लोगों को बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसीलिए पहले पहल 24 दिसंबर 1899 की संध्या चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमार और गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों में चर्च पर हमले शुरू कर दिए गए। चर्च पर हमलों के साथ साथ तीर भी बरसाए गए। बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में वहां के गिरजाघर पर भी तीर चलाए गए। सर्वदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके बाद चर्च से बाहर निकले फादर हाफमैन वो उनके एक साथी पर तीरों की बारिश की गई। हाफमैन तो बच गए, लेकिन उनका एक साथी तीर से घायल हो गया। 24 दिसंबर की इस घटना से ब्रिटिश सरकार सकते में आ गई। इसके लिए धरपकड़ शुरू हुआ। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को सैल रकब पर मुंडाओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची। पहाड़ी करीब 300 फीट ऊंची थी, उसके ऊपर बैठक हो रही थी। यहां पुलिस और विद्रोह के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहां नहीं मिले। वे पहले यहां से निकल चुके थे और अयूबहातू पहुंच गए थे। अयूबहातू में भी पुलिस जब पहुंची, तो वहां भी वे अपना हुलिया बदलकर निकल गए थे। बिरसा के हाथ न आने से पुलिस बौखलाई हुई थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों को इनाम देने की घोषणा की। यह उक्ति काम कर गई। वे पोड़ाहाट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहते। मान मारू और जरीकिल के 7 आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा
कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल के काफ़ी अंदर धुआं उठ रहा है। वे यहाँ चुपके से रेंगते हुए पहुँचे और पिरसा को यहाँ देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सब खा पी कर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बदगांव में डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफ़ी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बदगांव से हुई। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वह प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेज सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया जब वो सोए थे। बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सज़ा हुई। बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पुलिस चलकर लेकर आई और चेतावनी दी कि वे पुरानी हरकत नहीं करेंगे। बिरसा ने भी वादा किया कि वह किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। सरदार आंदोलन जो अभी सुस्त हो गया था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्राएं शुरू की, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रणनीतियाँ बनने लगी। बसिया, कोलेबीरा, लोहरदगा, बानो, कर्रा, खूंटी, तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और सिंहभूमि का पोड़ाहाट का इलाका अंगड़ाइयाँ लेने लगा। इन लोगों को 500 रुपये नकद इनाम मिला। बिरसा को वहाँ से रांची जेल भेज दिया गया। यहीं रांची जेल में 9 जून सन 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांसें ली और आनन फानन में कोकर के पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ। जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया।